दोस्तों आर्यन खान का केस इस वक्त चल रहा है मुंबई के सेशन कोर्ट में, जहां पर जमानत को लेकर पक्ष विपक्ष की दलीलें चल रही है। हम आपको दे रहे हैं कोर्ट रूम की लाइव अपडेट, जहां पे दोस्तों एनसीबी का जो आरोप है जिससे कि बेल नहीं मिल जाए, एनसीबी ने ये कहा है कि आर्यन खान के पास भले ही कुछ भी सामग्री नहीं मिली हो ड्रग की, लेकिन फिर भी वो बड़ी साजिश के अंदर यहाँ पे संदिग्ध पाए गए हैं। वहीं उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट के पास में वो सभी संदिग्ध वस्तुएं भी पाई गई है, जो कि भारत में प्रतिबंधित है। वहीं दोस्तों आर्यन खान के सपोर्ट में आर्यन के वकील ने ये कहा कि आर्यन बहुत ही अच्छे घराने से आते हैं, तो बेल मिल जानी चाहिए, वो कहीं पर भी फरार नहीं हो सकते। ये बात पूरी बात भली बात ही जानता है पूरा भारत। वहीं दोस्तों एनसीबी ने आर्यन खान को ये भी कहा कि आर्यन खान उस पदार्थ का उपयोग भी करते थे, ऐसी पुष्टि यहाँ पे बताई गई है, जो भारत में प्रतिबंधित है। उन ड्रग्स का उन्होंने उपयोग किया है खुद के शरीर में, जो कि पूरी तरीके से इल्लीगल है। एनसीबी दोस्तों पूरा दम लगा रही है कि किसी भी प्रकार से नहीं मिल जाए उन्हें जमानत, और वहीं वकील लगातार लगे हुए हैं दलील पेश करने में कि शाहरुख के बेटे हैं, कहाँ ही भाग के जाएंगे, जमानत मिल ही जानी चाहिए। पक्ष विपक्ष जारी है दोस्तों, यहाँ पे कोर्ट का अंतिम फैसला जल्द ही आने को है। तो दोस्तों लाइव अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए देखो देखो के साथ, ताकि हर खबर आप तक मिले सबसे पहले।